हम आज आपको इनमें से तीन लड़कियों की कहानियों के बारे में बताएंगे। इनमें पहली लड़की का नाम है निमिषा संपत। निमिषा जब कासारगोड के एक कॉलेज से डेंटिस्ट बनने की पढ़ाई कर रही थी, डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही थी, तब उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जो पहले ईसाई धर्म को मानता था। तब इस ग्रुप में मेरीन जेकब नाम की एक लड़की भी शामिल थी जो ईसाई धर्म को मानती थी, लेकिन जिस लड़के ने निमिषा से शादी करके उसे फातिमा बनाया, उसी के सगे भाई ने ईसाई धर्म छोड़कर पहले इस्लाम धर्म को अपनाया और फिर उसने मेरीन जेकब से शादी कर ली और उसे मेरीन से मरियम बना दिया। और इसी ग्रुप में एक और लड़की थी जिसका नाम था सोनिया सेबेस्टियन। सोनिया भी कासरगोड से गायब हुई और जब एनआईए ने उसकी जांच की तो पता चला कि सोनिया अब्दुल रशीद अब्दुल्ला नाम के एक आदमी से प्यार करती थी और बाद में अब्दुल ने केरल की सोनिया से निकाह करके उसे आयशा बना दिया। तो ये जो हम आपको ये कहानियां बता रहे हैं ये काल्पनिक नहीं है, ये पात्र काल्पनिक नहीं है, ये नाम काल्पनिक नहीं है, ये वाकई में ऐसी लड़कियां हैं, इनके नाम हैं, इनके परिवार हैं और इन सब के साथ ये सब हुआ है। आज मैंने इस फिल्म के निर्माता विपुल शाह, इसके निर्देशक सुदीप्तो सेन और इसमें जो लीड एक्ट्रेस हैं अदा शर्मा, उनका एक ब्लैक एंड व्हाइट इंटरव्यू किया है जिसमें उन्होंने ये बताया कि कैसे इस फिल्म को अलग थलग कर दिया गया है, कैसे इस फिल्म को बनाने के बाद उन्हें सुरक्षा लेनी पड़ रही है, कैसे उन्हें